यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर पहली पारी की परीक्षा जारी है। प्रशासन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार खुद लखनऊ के गोमती नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षा और सुरक्षा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। केंद्र का जायजा लेकर निकले डीजीपी ने कहा कि पूरी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में लगी है। किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी परीक्षा गड़बड़ी में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ और इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियां परीक्षा सकुशल संपन्न कराने में जुटी हुई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर अफवाह भी उड़ाई जाने लगी। इस मामले में लखनऊ में यूपी सिपाही भर्ती बोर्ड की ओर से सपा के पूर्व मंत्री और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, सैकड़ों संदिग्धों को भी पुलिस की वजाल पर है। प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोग के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने की के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में दो दो पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह स्वच्छतापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये एक में पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे।